ताज़ा खबरों के लिए कुनाक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका, खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आइए तो देखते हैं शहर, राज्य और देश से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। पूर्व स्थायी समिति सभापति राजेश वद्रिया के खिलाफ उल्लासनगर एक के पुलिस स्टेशन में हरि सिंह चरण सिंह लबाना की शिकायत पर अदखल पात्र का आरोप दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं क्या है कहना शिकायतकर्ता का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे अनपढ़ को, जाहिर को, जिसको कुछ ये भी नहीं पता है कि किस शब्द का कहाँ पे यूज करना है, उसको ये भी नहीं पता कि जिस वार्ड से वो जीता है वहाँ के लोगों ने उसको मत दिया है, ना कोई पाकिस्तान से आया है ना कोई बाहर से आया है। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म। ना जड़ हमने पहले छोड़ी थी, ना जड़ हम अब छोड़ेंगे, ना नफा नुकसान हमने पहले सोचा था, ना नफा नुकसान हम अब सोचेंगे। चाहे भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हो, उसे हम झेलने के लिए तैयार हैं। अब जो पंजाब में जो सरकार आई है वो आम आदमी पार्टी द्वारा आई है, पंजाबियों द्वारा आई है, सिखों द्वारा आई, आम जनता द्वारा आई है। पता नहीं हमारे जो राजेश नगर सेवक, जो नगर सेवक है, उन्होंने एक टिप्पणी की है कि उसे खालिस्तान ने सपोर्ट किया। खालिस्तान कहाँ से आए, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आपका काम है नदी और कचरे की साफ सफाई करना, वार्ड की साफ सफाई करना, और आप पंजाब की बातें कर रहे हैं। हमें, हमारा जो सिख समाज है, इस बात से बहुत ही आहत हुआ है। मुझे कहीं नांदेड़ से, दिल्ली से और पंजाब से अकाली दल निहंग सिंहों के फोन आ रहे, भाई तुम उल्लासनगर में कर क्या रहे हो, शाम क्यों बैठे हो। अब तक तो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हो जानी चाहिए थी, पर यह समाज कानून के प्रति पालन करते हो, उन शब्दों का पालन करता है। और अभी हम एक नंबर में गए थे, सीनियर कदम साहब से मिले, कदम साहब से हमने अपने विचार रखे। कदम साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा कि आप अपना एक लेटर दें, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं तो ये सिख समाज आक्रोश में, एक नंबर से पांच नंबर तक के लोग जो इतने आक्रोश है कि वो कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। पर हमने उन्हें मना किया, वो कुछ भी हो सकता है, कानून अपना काम करेगा और हमारा समाज उसे सपोर्ट करेगा। हम कानून से उम्मीद करते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द इंसाफ दे और राजेश वद्रिया पर एक FIR दाखिल होनी चाहिए, ताकि वो इस प्रकार के कोई शब्द यूज न करे। धन्यवाद। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जिसे लोगों ने चुना, वहाँ के जो राय थी पब्लिक की, उन्होंने वोट किया, हमने जिताया कि संविधान से हर किसी को हक है मत करने का। और हमारे यहाँ पे उल्लासनगर के नगर सेवक है राजेश वद्रिया, मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे अनपढ़ को, जाहिर को, जिसको कुछ ये भी नहीं पता है कि किस शब्द का कहाँ पे यूज़ करना है, उसको ये भी नहीं पता कि जिस वार्ड से वो जीता है वहाँ के लोगों ने उसको मत दिया, ना कोई पाकिस्तान से आया है ना कोई बाहर से आया है। जब पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है। उसने ये क्यों कहा कि उनको खालिस्तानियों ने सपोर्ट किए, या उनको खालिस्तानियों ने वोट दिया है? क्यों भाई, हमारे संविधान में कई सपोर्ट करने की आज़ादी है क्या? कोई बाहर से आके वोट करेगा? संवैधानिक तरीके से पंजाब में आम आदमी की पार्टी बनी है और ये कह रहा है कि वो खालिस्तान ने बनाई है। ये खालिस्तानी कौन है?
इस अनपढ़ को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई खालिस्तान है ही नहीं। देखिए, ये मामला कुछ ऐसा था कि हाल ही में आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें से मुख्य जो पंजाब राज्य था उसमें जो आम आदमी पार्टी की बहुमत में विजय हुई थी, सो वहाँ पर उनको देखते हुए जो उल्लासनगर के महानगर पालिका के नगर सेवक हैं राजेश वदरिया जी, उनके तरफ से एक UMC ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट पोस्ट की थी कि जो पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, वो खालिस्तानियों द्वारा बनाई गई है, जो एक ये एक बहुत ही गलत तरीका और शर्मनाक तरीके का ये पोस्ट थी, उन्होंने ये वहाँ पर डाली। तो इस पोस्ट को जब ये हम लोग ने देखा तो हमारा सिख समाज काफ़ी नाराज़ हुआ और आक्रोश में आ गया कि ये किस तरीके का वाहियात तरीके का ये पोस्ट इन्होंने डाली है। तो काफ़ी हमारा सिख समाज इससे नाराज़ हुआ और हमने इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि ये एक खालिस्तानी शब्द कहना अपने आप में एक कहते हैं कि उसको हम बोल नहीं सकते कि उन्होंने ये शब्द कैसे यूज़ किया है। सो इस बात को लेकर पूरा सिख समाज नाराज़ हुआ और हमने एक नंबर पुलिस चौकी वहाँ पर हमने एक अर्ज दाखिल किया कि इनके ऊपर जो धाराएं बनती है उनके तहत ये मामला दर्ज होना चाहिए, गुनाह दाखिल होना चाहिए। सो हमें पुलिस की तरफ से बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और जो भी उनके ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट थी उनके आधार पर ये आप देख सकते हैं उनके ऊपर ये गुनाह दाखिल हुआ है। सो मैं यही करना चाहूँगा कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं किस तरह की पोस्ट ग्रुप में डाल रहा हूँ कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को, आम जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो ये शब्द खालिस्तानी शब्द है, पहले तो बहुत से लोगों को इसका अर्थ ही पता नहीं है कि ये शब्द क्या है, पहले इसका अर्थ समझें उसके बाद टिप्पणियाँ करें। सो मैं यही कहना चाहूँगा, उल्लासनगर में जो नौजवान है सिख समाज के काफ़ी सक्रिय हैं, आप ऐसे कोई बाइट या कोई ऐसे सोशल मीडिया में पोस्ट न डालें कि उसमें आपको बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़े। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। जयेश गजलानी नामक छात्र के साथ होली पर प्लास्टिक की थैली में पानी भरकर मारने का मामला प्रकाश हुआ है। बता दें कि जयेश जब इस मामले की शिकायत फुग्गा मारने वाले के पिता के पास लेकर गया तो दोनों पिता पुत्र ने मिलकर जयेश की खूब पिटाई कर दी। नाराज जयेश ने इस मामले की शिकायत सेंट्रल पुलिस स्टेशन में जब की तब पुलिस ने भी इस बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी। सुनील बिजलानी नाम है, उम्र 16। मैं जा रहा था अपने दोस्त को घर पे ड्रॉप करने कॉलेज से, कॉलेज हुआ था हमारा अभी, तो लड़के फुग्गे और पनिया मार रहे थे बिल्डिंग से और नीचे ट्यूशन के बाहर रुक के मस्ती कर रहे थे सब। तो मैं उसने मेरे ऊपर मैं उधर रुका था तो मेरा हाथ पकड़ने आया था तो मेरा तो मेरे को उसने मैंने उसको हाथ पे कलर लगा तो फिर उसने मैंने उसको बोला कलर की मारा तो उसने मेरा कॉलर खींच के मेरे मुंह पे फाइट मारी तो मैंने उसको शर्ट को पकड़ा, उसकी शर्ट नीचे हो गई तो इतने में उसका उसने अपने पापा को फ़ोन कर दिया कि उसका पापा आया, वो आके मेरे को मारना चालू हो गया कि तूने मेरे बेटे को कैसा मारा है, और उसने मेरे को मारा। उसके बाद उधर सब उसके बिल्डिंग के नीचे सब बिल्डिंग वाले जमा करके सब उनके सामने मेरे को मार रहा था, वो लोग रोक रहे थे फिर भी मार रहा था। तो फिर मैं बोला, मैं पापा को बोला कि पुलिस स्टेशन जाऊँगा तो फिर बोला पुलिस स्टेशन जा, किधर भी जा हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग का नाम लेना। और मैं नाम पूछा तो नहीं बताया, बोला मैं आऊँगा तेरे को सेंटर में, मैं और मार के लाऊँगा, ये साइड भी तेरे को निशान दिलवाऊँगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। डोंबिवली शहर के विधायक मनसे नेता राजू पाटिल ने राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए पूरे शहर में बैनर उल्टे लगवा दिए और कहा कि जैसे ही काम शुरू हो जाएंगे सारे बैनर सीधे करवा दिए जाएंगे। आइए लेते हैं इस पर अधिक जानकारी। MIDC तले रस्ते कॉन्क्रीटीकरण करण्याचं उद्घाटन मोठ्या जोरात झालेलं होतं, माननीय आदित्यजी ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालं होतं, परंतु आणि तेव्हा मी त्याच्या आधीही बोललो होतो की कामं चालू करा लवकर, लोकांना त्रास होतो आहे।
तालुका केल्यावर मी तुमच्या अभिनंदनाचे बॅनरही लावेन. उद्घाटनाच्या प्रसंगी पण माननीय पालकमंत्री साहेबांनी बोलले की तुम्हाला आता बॅनर लावायला लागतील. बॅनर तयार, खरंच सांगतो, बॅनर तयार करून ठेवलेले आहेत, पण काम अजून काही चालू झालं नाही आहे. मी आज त्यांना, बघा आम्ही विरोधक आहोत, सत्ताधाऱ्यांकडनं काम कसं करून घ्यायचं हे आमची जबाबदारी आहे. त्यामुळे एक सक्षम विरोधी पक्षाचं काम कसं करायचं किंवा आम्ही त्यांच्या मागे लागून कामं कशी करून घ्यायची या अनुषंगाने आज होळीचं निमित्त शोधून एक उलटा बॅनर लावला की आता हा डोकं खाली आणि वर पाय करून वाचावं लागेल लोकांना. तुमचं अभिनंदन आम्ही तेव्हाही करू जेव्हा तुम्ही हा बॅनर सरळ करू, जेव्हा तुम्ही काम चालू कराल तेव्हा लावू बॅनर आम्ही. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. कल्याण के प्रताप ज्वेलर्स में चोरों ने सेंध मारकर 25 लाख के गहनों की चोरी कर ली. आइए लेते हैं इस बारे में दुकानदार से पूरी जानकारी. बताइए कि कितनी की चोरी हुई, मतलब सुबह एक्चुअली क्या, हमारे स्टाफ दुकान खोलने को आते हैं तो फ्रंट साइड से उन्होंने लॉक खोल के अंदर जैसे एंट्री लिए, उसके बाद अंदर आके देखा तो उनको कुछ गड़बड़ सा ऐसा महसूस हुआ, तो फिर वापस उन्होंने ताबड़तोब वो लोग बाहर आ गए और बाहर आके हमको कॉल किया कि भाई ऐसा कुछ तो भी लग रहा है दुकान में, गड़बड़ ऐसा कुछ हुआ है. और फिर बैक साइड में, पीछे की साइड में जाके उन्होंने चेक किया तो पीछे जो छोटा शटर है उसके दो लॉक के क्लिप कटे हुए थे, तो वैसा फिर जैसा है वैसे छोड़ दिया उन्होंने और हमको बुलाया और हम लोग आए. कितने का माल गया? लगभग 20 से 25 लाख के बीच में की अंदाजे है. सीसीटीवी में दिख रहा है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में है, क्लियरिटी है. अभी पुलिस ऑफिसर आए थे, लोग लेके गए हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी जैसा होता है. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. पुलिस हवलदार विजय कारबारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. विजय गणेश भंवर बार एंड रेस्टोरेंट को देर रात तक चालू रखने के एवज में हर महीने 5,000 रुपए की रिश्वत लेता था. आइए इस बारे में लेते हैं अधिक जानकारी. थाने एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलिस हवलदार विजय कारभारी बरकले को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. विजय बरकले विठलवाड़ी के समीप होटल गणेश भंवर बार एंड रेस्टोरेंट को देर रात तक चलाए रखने के लिए मांग रहा था 5,000 रुपए की रिश्वत. होटल चालक ने इस बात की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की. एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलिस उप अधीक्षक माधवी राज राजे कुंभार के नेतृत्व में जाल बिछाकर पुलिस हवलदार विजय बरकले को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. अंबरनाथ नगर परिषद भवन में कुछ सफाई कर्मचारी दारू पीते हुए व पार्टी करते हुए पकड़े गए और उनका यह वीडियो हुआ वायरल. आइए आपको भी दिखाते हैं यह खबर विस्तार से. हे धंदे करता का बिल्डिंग यासाठी बांधले का अरे होय यासाठी बांधले मग कोणी दिली परमिशन तुम्हाला दारू प्यायला? आप देख रहे हैं किस तरह से अंबरनाथ नगर परिषद के कर्मचारी दारू की पार्टी उड़ा रहे हैं. नशे में धुत ये सफाई कर्मचारी नगर परिषद द्वारा यूपीएससी भवन में दारू पार्टी कर रहे थे. अंबरनाथ नगर परिषद ने स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह भवन 3 करोड़ के खर्च पर बनाया हुआ है.
गांव देवी मंदिर के समीप बनाया गया यह यूपीएससी भवन अभी उद्घाटित भी नहीं हुआ है। इस भवन के सुरक्षा रक्षक क्या कर रहे थे, यह भी सवाल उठ रहा है। और प्रशासन इन दारू पीने वाले सफाई कर्मचारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेगा, ये भी देखना बाकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से दारू पार्टी चल रही थी। इन कर्मचारियों के खिलाफ नगर परिषद प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा भी या नहीं, यह भी देखना बाकी है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। लगभग दो साल के बाद होली का त्योहार कोरोना की चपेट के बाहर दिखा। इस मौके पर लोगों की खुशी और उत्साह का कोई ठिकाना ही नहीं था। इस त्योहार को कुछ लोगों ने किस अतरंगी अंदाज में मनाया, आइए आपको दिखाते हैं। طاحت في الارض بدون ما تنفجر انت خسر. اوكي يلا 1 2 3 كفو. रंग बरसे भीगे चुना
जुनार्क, अपना शहर अपनी बातें। सिंधुयुद्ध सर्किल ने संस्था का गोल्डन जुबली वर्ष मनाते हुए होली के पर्व पर कई सांस्कृतिक प्रोग्राम्स का आयोजन किया। और यह हमारी डायमंड जुबली होली का उत्सव बहुत ही जोर शोर से चलता है। बीते 60 साल से सिंधुयुद्ध सर्किल होली का उत्सव बहुत ही जोर शोर से मनाती है। आप सब देख रहे हैं, सब लोग कलरफुल लगे पड़े हैं। होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। जिसके जिंदगी में रंग नहीं वो बेरंग है। तो रंगों को भरने के लिए आज उत्साह का दिन है। पूरे हिंदुस्तान में आज होली मनाई जा रही है और सिंधुयुद्ध सर्किल विशेष होली मनाती है। सभी शहरवासियों को, जो भी सुन रहे हैं, उन सबको होली की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई हो, बधाई हो। एक छोटा सा 5 मिनट के अंदर कविता बनाइए, आपको सुनाता हूँ। होली है रे बाबा आज होली है, होली है रे बाबा आज होली है, रंग बरंगी रंगों का त्यौहार हमारा, सबसे है भारत का सबसे न्यारा। बच्चा बूढ़ा और जवान आज मस्त है, ज्यादा होली है रे बाबा आज होली है। तुम नाचो 5 स्टार स्विमिंग पूल के डिस्को पर, तुम नाचो 5 स्टार में पूल के साइड डिस्को पर इसका चढ़ाकर, और हम गरीब खुश हैं आज यहाँ, और हम गरीब खुश हैं आज यहाँ, मिट्टी और हल्दी के रंगों से, कंत्री के एक पेग मारने से बाबा। होली है रे बाबा, होली है, पर हैं एक मिट्टी के हम संतान, पर हैं हम एक मिट्टी के संतान, खूब मनाए हम गले मिलकर, खूब मनाए हम गले मिलकर, होली है रे बाबा, होली है रे बाबा। सभी को, सभी को होली की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां, बधाइयां, बधाइयां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। साईं लगजीवन गोड़ गौशाला को सेवा के 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसी मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए लेते हैं इस बारे में अधिक जानकारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हमारे साई जीवन लग गोड़ गौशाला को 22 साल पूरे हो गए, इस खुशी में आज कन्या भोजन, सुरदासों की सेवा, सुबह से यहाँ मेला लगा हुआ है। आज हमारी गौशाला को 22 साल पूरे होने के हमको बहुत खुशी है। गौशाला ऐसे ही प्रगति आगे भी करेगा, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी गौशाला को और प्रोत्साहन देते हो, धन्यवाद। कृष्णा राधे राधे। श्री साई जी लग जीवन गौड़ गौशाला को आज 22 साल पूरे हो गए, इस महोत्सव में जो आज कन्या भोजन कराया गया है, सूरदासों की सेवा करी की गई है, कन्याओं को अन्नदान और गिफ्ट दिया गया है, सूरदासों को भी राशन और सेवाएं गिफ्ट किया गया है। जय श्री जीवन गौड़ साहब की जय। आज यहाँ पे मुझे बुलाया डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर चंद्र रोड़ा ने, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं अपनी मिसेज डॉक्टर अर्चना रामनानी के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ गौशाला में। गौशाला से मैं 22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब गोकुल सर ने ये गौशाला शुरू की, संकल्पना ली कि हमें गौशाला शुरू करनी है, तो कुछ लाइफ मेंबर्स उन्होंने बनाए, तो उसी में से एक लाइफ मेंबर मुझे बनाया, और हर महीने हम लोग यहाँ पे गौशाला को कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज मुझे यहाँ पे 22 साल के बाद गौशाला का जो पिक्चर है वो देख के बहुत ही आनंद हुआ, प्रसन्नित हुआ हूँ कि कितनी मेहनत से और कितनी लगन से उन्होंने काम किया है, और कैसे इसका पूरा रूप बदल दिया है इस गौशाला का। मैं तो चाहता हूँ कि आगे जाके आने वाले सालों में, अभी जब हम 25 साल मनाएंगे 3 साल के बाद, तो और भी ये गौशाला का रूप बदल जाएगा। मैं उनको ये शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू, हरि ओम। जय श्री कृष्ण, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे कि आज बताने से बहुत खुशी हो रही है, 22वां साल है आज
आज गौशाला के अंदर धूमधाम से मेला लगाया गया है। जैसे कि आज सवेरे 10 बजे से कन्या भोजन चालू है, उनको खाना खिला के बच्चों को गिफ्ट आदि जो भी दिया गया है यहाँ पे, इस 22वें वर्ष में धूमधाम से आज का प्रोग्राम और आगे भी मनाया जाएगा। जय श्री कृष्ण, बोलो गौ माता की जय। जैसे कि गौ रक्षा के लिए इस गौशाला के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं, जैसे कि बाहर काउंटर पे गौ माता को हर डे के हिसाब से खाना खिलाया जाता है। और आज 22वां वर्ष है, इस खुशी में पहले छोटी गौशाला थी, आज बहुत बड़ी हो गई और बड़ी हो रही है, जैसे कि आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है, इसे और अगले साल इसके दुगनी बड़ी हो जाएगी। जय श्री कृष्ण, गौ माता की जय। जय श्री कृष्ण, अज 19 तारीख आए साईं जीवन घोट गौशाला के 22 साल पूरा थे। 17 का 21 तारीख ताईं डेली शाम जो 8-10 सत्संग होंद आए। अज जो हो सो सूरदासन जो रसोई हुई, सूरदासन के जो जो उनकी शेवा कई वही। अज जो हिंसर जो प्रोग्राम चालू है मथे, वो न्याणियों जो चालू है, न्याणियों के भी जो पांजे तरफा जेका भी शेवा है अस कर रहा हूँ। सुभाने जेका सुभाने जो संडे आए, संडे माना 20 तारीख से सुभाने मंझंद जो संतन महात्मान जो भोजन थींदो, रात जो मधुसूदन बाबू जो सत्संग है। 21 तारीख भी मधुसूदन बाबू हाँ जो सत्संग है 8-10 ताई जो सत्संग थींदो जीवन घोट गौशाला में। ही जेके 22 साल पूरा थे गोकुलदास जो गौशाला जो ट्रस्टी मेन ट्रस्टी चीफ ट्रस्टी है, उन एतरी शेवा कई है जो इन वक्त ताईं एतरी गौशाला है एतरो वधायो है जो इतने डेली हजारे मानू शेवा करने के लिए गौशाला जो दर्शन करने लिए इंदा है। जय श्री कृष्णा, जय जीवन घोट की। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये थी हमारे आसपास की कुछ ताज़ा तरीन गतिविधियाँ। अगर आप ऐसी ही और भी खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल कोणार्क मंच टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।